अब वंदे भारत में हो गई जमकर मारपीट। वेटर ने गलती से परोस दिया गलत खाना तो यात्री को आया गुस्सा और उसके साथ छिड़ गया युद्ध। दो खेमों में बट गए यात्री। किसी ने दिया आरोपी का साथ तो कोई वेटर के साथ खड़ा हो गया और देखते ही देखते बवाल हो गया। किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया पोस्ट। वीडियो देखने के बाद लोगों के आए चौंकाने वाले रिएक्शन। अब तक वंदे भारत के साथ जानवरों के टकराने की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब ये ट्रेन अखाड़ा बनती जा रही है और ट्रेन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसे देखने के बाद तो सब सन्न रह गए। वेटर की एक गलती की वजह से ये जंग शुरू हुई और देखते ही देखते ट्रेन के यात्री दो खेमों में बट गए और फिर देखते ही देखते नौबत ऐसी आ गई कि कई लोग पैनिक होने लगे। मामला गलत खाना को परोसने से जुड़ा था। हावड़ा से रांची जाने वाली वंदे भारत का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस ट्रेन के एक कोच में वेटर ने गलती से बुजुर्ग यात्री को नॉनवेज फूड सर्व कर दिया। यात्री को जब इसका पता चला तो वो भड़क गया और उसने वेटर को दो थप्पड़ लगा दिए। इसके बाद कोच में मौजूद यात्री वेटर के लिए खड़े हो गए और बुजुर्गों को उससे माफी मांगने के लिए कहने लगे। इसको लेकर मामला गर्मा गया और उन्हीं में से एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला बहस का मुद्दा बन गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के कोच में खूब हल्ला हो रहा है, कैटरिंग स्टाफ मौजूद है और अन्य यात्रीगण बुजुर्ग शख्स से कह रहे हैं कि आपने जिस वेटर को थप्पड़ मारा है उससे माफी मांगे। कुल मिलाकर ट्रेन के यात्री बुजुर्गों को बता रहे हैं कि नॉन वेज परोसने की गलती पर उन्हें वेटर को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बल्कि शांति से बात करनी चाहिए थी, जबकि अंकल अपनी बात पर डटे रहते हैं। हालांकि अंत में वो यात्रियों के दबाव में वेटर से काफी माफी भी मांगते दिखाई देते हैं। असल में ये वीडियो एक्स यूजर इट्स मी कुनाल 07 ने 27 जुलाई को साझा किया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि पैसेंजर और वेटर के बीच वंदे भारत में कलेश हुआ है। इस पोस्ट को अब तक 8000 से अधिक व्यूज और सैकड़ों लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही तमाम यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक शख्स ने लिखा कि मारना नहीं चाहिए था। दूसरे ने लिखा कि ये बड़ी गलती है, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। हालांकि तमाम यूजर ने कहा कि मारने की जरूरत नहीं थी, शांति से समझाया भी जा सकता था। तो नेटिजन्स ने जब से ये वीडियो देखा है तब से नेटिजन्स भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग बुजुर्ग अंकल की तरफदारी कर रहे हैं तो कुछ लोग वेटर के साथ खड़े हैं। लोगों का कहना है कि वेटर को गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था और उसके बाद खाना सर्व करना चाहिए था। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अंकल ने गलती की है और गलती की है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, उम्र का तजुर्बा आपके पास है, ऐसे में गुस्सा करने की बजाय आप प्यार से वेटर को पास बुलाते और उसे समझाते और कहते कि बेटा ये खाना मेरा नहीं है, मैं ऐसा खाना नहीं खाता, मुझे दूसरी थाली ला कर दी जाए और ये खाना किसी और को सर्व कर दिया जाए, तो ना ही बात बिगड़ती और ना ही माफी मांगने की नौबत आती और ना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता और ना लोग आपकी आलोचना करते। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।